नमस्कार, सीएमआरबी जीपीसी गंगानगर के चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम MH 208 के टॉपिक गैस पावर साइकिल्स को अगले पार्ट को देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने डीजल चक्र को पीवी और टीएस डायग्राम पर प्लॉट किया था। ये डीजल चक्र का पीवी और टीएस डायग्राम जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तथा साथ ही हमने ये कुछ टर्म्स हमने ड्राइव की थी, जिसमें संपीड़न अनुपात, कंप्रेशन रेशियो, रो कट ऑफ रेशियो या विच्छेदन अनुपात, आर ई एक्सपेंशन रेशियो, प्रसरण रेशियो। फिर हमने एक फॉर्मूला ये भी देखा था, जो संपीड़न अनुपात होता है वो विच्छेदन अनुपात और एक्सपेंशन अनुपात का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इन सब फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी बराबर होता है 1 - QR/QS, यानी हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो यदि हम बात करें क्यू एस की, यानी हीट सप्लाइड की, तो जो प्रक्रम 2 से 3 जो है उसमें हीट सप्लाई हो रहा है, तो क्यू एस जो प्रक्रम हो रहा है 2 से 3 हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एस बराबर MC T3 - T2। यहाँ पर चूंकि 2 से 3 प्रक्रम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रक्रम है, स्थिर दाब प्रक्रम है, तो यहाँ पर आ जाएगा MCP P3 - T2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर लिखते हैं क्यू आर, यानी हीट रिजेक्ट। हीट रिजेक्ट जो हो रही है वो प्रक्रम 4 से 1 के बीच में हो रही है, 4 से 1। तो क्यू आर बराबर हमने लिखा MCP T4 - T1। इसे हम इक्वेशन नंबर, चूंकि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ पर MCV आएगा, 3 नंबर दे देते हैं। अब इन 2 और 3 की वैल्यू 1 में रखते हैं, तो हमें मिलता है एफिशिएंसी बराबर 1 - MCV T4 - T1 / MCP T3 - T2। अब यहाँ देखिए, एम से एम कैंसिल हो गया, सी पी अपॉन सी वी जो होता है, सी पी अपॉन सी वी, इसे हम गामा कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा एफिशिएंसी बराबर 1 - 1 / γ T4 - T1 / T3 - T2। ऊपर वाले में से T1 कॉमन लेते हैं, तो एफिशिएंसी आएगी 1 - T1 / γ T4 / T1 - 1 / γ T2 कॉमन लेते हैं, T3 / T2 - 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हम प्रोसेस 1 से 2 को कंसीडर करते हैं, 1 से 2 प्रोसेस को कंसीडर करते हैं। 1 से 2 प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबली एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, प्रतिक्रम में हाइड्रोजन संपीड़न प्रक्रम है, जैसे कि ऑटो चक्र के लिए लिखा था। इसके लिए भी लिखते हैं T1V1 - γ-1 / T2V2 - γ-1, या T2 / T1 / V1 / V2 - γ-1। और V1 / V2 जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो संपीड़न अनुपात होता है, तो इसको हम लिखेंगे बराबर T2 / T1 / R⁴ - γ-1। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। अब हम प्रक्रम कंसीडर करते हैं 3 से 4। 3 से 4 के लिए लिखते हैं T3V3 - γ-1 / T4V4 - γ-1, या T3 / T4 / V4 / V3 - γ-1। अब यहाँ देखिए V4 / V3 हम एक्सपेंशन रेशियो को मानते हैं, RE, तो ये आ जाएगा बराबर RE⁴ - γ-1। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। अब देखिए, हमें पता है R बराबर होता है ρ × RE, तो RE की जगह मैं लिख सकता हूँ T3 / T4 बराबर RE की जगह मैं लिख सकता हूँ RE = R/ρ। तो यहाँ लिखता हूँ R/ρ⁴ - γ-1।
अब यदि मैं R को बाहर ले लूँ, R को बाहर ले लूँ, मैं लिखता हूँ इसको R की पावर गामा माइनस वन इंटू वन अपॉन रो की पावर गामा माइनस वन। R की पावर गामा माइनस वन का मान यदि मैं इक्वेशन नंबर 5 से लूँ तो ये होता है T2 बटा T1, तो यहाँ से आता है T3 बटा T4 बराबर T2 बटा T1 इंटू वन अपॉन रो की पावर गामा माइनस वन। इसे मैं इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूँ। अब मैं 2 से 3 प्रक्रम को कंसीडर करता हूँ, प्रक्रम 2 से 3। 2 से 3 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो मैं लिखता हूँ P2 V2 बटा T2 बराबर P3 V3 बटा T3। ये जो 2 से 3 प्रक्रम है इसमें दाब समान है, तो P2 से P3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आया V3 बटा V2 बराबर T3 बटा T2। V3 बटा V2 जो होता है, V3 बटा V2 विच्छेद अनुपात है, इसे हम रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब T3 बटा T2 बराबर रो। अब हमारे पास लगभग जो है सारी वैल्यूज़ जो आ चुकी हैं, यदि इसको रो का मान यहाँ रखना चाहें तो उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। इस सब प्रक्रम के बाद अब हम चलते हैं हमारी इक्वेशन पर। मेन इक्वेशन जो है हमारी, उसमें है यदि मैं T4, मेन इक्वेशन जो है वो 4 नंबर इक्वेशन, यदि इसमें मैं वैल्यू रखना शुरू करूँ तो एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T1 बटा T2, T1 बटा T2 का मान है R की पावर गामा माइनस वन, तो ये मान हो जाएगा 1 अपॉन गामा को एज इट इज़ लिख दिया T2 बटा T1 को हम लिखते हैं R रेज टू पावर गामा माइनस वन। T4 बटा T1 को भी T4 बटा T1 ही रहने देते हैं माइनस वन। T3 बटा T2 को हम रो लिखते हैं, T3 बटा T2 को लिखेंगे रो, तो यहाँ पर आ जाएगा रो माइनस वन। अब यदि यहाँ से T4 बटा T1 की वैल्यू निकालना चाहें इस इक्वेशन से, यदि 7 नंबर इक्वेशन से यदि हम T4 बटा T1 की वैल्यू निकालें, तो T1 इधर ले गए, T4 को इधर ले गए, T2 को इधर ले आए, तो ये आया T3 बटा T2 T3 बटा T2, और ये रो को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा रो की पावर गामा माइनस वन। और इस क्वेश्चन से हम देखते हैं T3 बटा T2 का मान रो है, तो यहाँ से आएगा T4 बटा T1 बराबर रो इंटू रो की पावर गामा माइनस वन। ये पावर वन, ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो T4 अपॉन T1 का मान आएगा रो की पावर गामा। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा आर की पावर गामा माइनस वन रो माइनस वन। ये हमारी डीजल चक्र की जो है दक्षता होती है। अगले वीडियो में हम ब्रेटन चक्र की दक्षता के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।